ऊर्जा के स्रोत। 17वीं सदी में मशीन को चलाने के लिए मनुष्यों या जानवरों की ताकत लगती थी, या फिर नदियों के बहते पानी का उपयोग होता था। इसे पंचक्की भी कहते हैं। लेकिन इनसे भारी मशीनों को साल भर चलाना संभव नहीं था। इस क्षेत्र में भाप की शक्ति के उपयोग ने क्रांति ला दी। यूं तो भाप की शक्ति का पता पहले से था, मगर जेम्स वॉट, जन्म सन 1736, मृत्यु सन 1819, ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा। इससे कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा मिलने लगी। 18वीं शताब्दी के अंत तक जेम्स वॉट के भाप इंजन ने जानवरों और बहते पानी की शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। परिवहन। परिवहन बढ़ते व्यापार और उद्योगों की एक और जरूरत थी। बहुत बड़ी मात्रा में सामान लाना और ले जाना जरूरी था। इसके लिए पहले नहरों का जाल बिछाया गया ताकि उन पर नावों के द्वारा सामान को कम खर्च पर पहुंचाया जा सके। इसके बाद रेल पटरियों पर गाड़ी को खींचने का प्रयोग शुरू हुआ। खींचने के लिए शुरू में घोड़े का उपयोग होता था और बाद में भाप इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने सन 1814 में बनाया था। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे, लोहे की पटरी और भाप के इंजन। रेल के आविष्कार के साथ औद्योगीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। जैसे जैसे भाप चलित मशीनों का उपयोग बढ़ा, वैसे वैसे कारखानों का जाल भी बढ़ा। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल थे और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लेकिन हमें इससे यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति से सारा उत्पादन कारखानों में होने लगा था। इंग्लैंड में मशीनों और कारखानों के प्रसार के बावजूद 19वीं सदी के मध्य तक कारखानों के बाहर हाथ से काम करने वाले मजदूर ही अधिक थे। फिर भी कारखानों में उत्पादन की व्यवस्था अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने लगी और समय के साथ गैर कारखाना उत्पादन कम होते गए।